अब बात करेंगे बड़ी खबर की, रायपुर से आ रही है, जहां जंगल सफारी में स्कूली छात्रों को फ्री एंट्री दी जाएगी। सभी स्कूल के बच्चों को ये लाभ मिल पाएगा। वन मंत्री केदार कश्यप की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। नवा रायपुर में ये जंगल सफारी जो है ये बना हुआ है, और अब स्कूल के बच्चे जो हैं, स्कूली छात्र जो हैं, उनको सभी को फ्री में एंट्री मिलेगी। तो ये उनके लिए खुशखबरी, अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम चलने के बाद जैसे ही छुट्टियां लगेंगी तो उसका मजा भी ले पाएंगे। एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जंगल सफारी में स्कूली छात्रों को फ्री एंट्री हो पाएगी और इसका लाभ सभी स्कूल के बच्चों को मिलेगा। वन मंत्री केदार कश्यप ने इसका बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि नवा रायपुर में जो जंगल सफारी है उसका मजा छात्र अब ले पाएंगे बगैर शुल्क अदा किए, यानी कि कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी छात्रों को। स्कूली छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया। रायगढ़ के सेंट्रल जीएसटी की टीम आज खरसिया पहुंची और दो औद्योगिक घरानों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जीएसटी की टीम को इन औद्योगिक घरानों के खिलाफ दरअसल शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद टीएससी के अधिकारी यहां पर जीएसटी के अधिकारी यहां पर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच में जुट गए। तो शिकायत के बाद औद्योगिक घरानों पर यह एक्शन लिया गया है। रायगढ़ के खरसिया में सेंट्रल जीएसटी की तरफ से छापेमारी और जानकारी के बाद यहां पर पहुंची थी टीम। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। दो औद्योगिक घराने बताए जाते हैं जिन पर यह छापे की कार्रवाई की गई है और शिकायत दरअसल मिली थी, और शिकायत के बाद औद्योगिक घरानों पर जीएसटी की टीम की तरफ से एक्शन लिया गया और यहां पर छापे की कार्रवाई की गई है, दस्तावेजों को खंगाला गया है। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।